हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आप डिवाइन से मांग रहे हैं इन यस और नो, आज की रीडिंग आपके लिए डिवाइन की तरफ से होने वाली है, आपके उस क्वेश्चन के आंसर के लिए। क्योंकि ये रीडिंग इंट्यूटिव रीडिंग है, तो आप सभी को अपनी पाइल को इंट्यूटिवली पिक करना है। अगर आप कंफ्यूजन फील कर रहे हैं पाइल सिलेक्शन में, तो फ्रेंड्स आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड अपने क्वेश्चन पर मेडिटेट कर सकते हैं। आफ्टर दैट आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आई होप आपने अपनी पाइल सिलेक्शन कर ली होगी। तो चलिए चेक करते हैं कि आपके लिए क्या आंसर्स होने वाले हैं डिवाइन की तरफ से। फॉर पाइल नंबर वन द आंसर इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो फ्रेंड्स आपके लिए आंसर मे बी में आया है। ये एक कंफ्यूज्ड स्टेट है। हम लोग और ज़्यादा क्लैरिटी लेने के लिए एक और कार्ड पिक करेंगे आपके लिए। ये आंसर मे बी में क्यों है? तो फ्रेंड्स किसी तरीके की मिस्ट्री है इस क्वेश्चन में, जो आप पूछना चाह रहे हैं, जिसका आंसर चाह रहे हैं, जिसकी वजह से इस टाइम डिवाइन कह रहे हैं कि आपको थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा वेट करिए एंड चीज़ों को सही तरीके से एनालाइज कर लिए। फॉर पाइल नंबर टू द आंसर इज यस। फॉर पाइल नंबर थ्री द आंसर इज यस। फॉर पाइल नंबर फोर के लिए भी ये आंसर यस में है। थैंक यू।